आज हम आए हैं हलवाई वाले भैया से उनकी एक खस्ते की सीक्रेट रेसिपी जानने। हम भैया से ही जानेंगे कि आखिर वो सिंपल से आलू के अंदर ऐसा क्या डालते हैं कि उनके जो खस्ते हैं वो खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और खस्ते की ऊपर की लेयर इतनी ज़्यादा क्रिस्पी होती है। तो आज की इस खस्ते की रेसिपी को जानने के लिए मैं आई हूँ अजय मिष्ठान भंडार की शॉप पर, जहाँ आपको बिरयानी, खस्ते और समोसे का सुबह का नाश्ता मिलेगा। तो चलिए भैया से ही जानते हैं उनकी ये सीक्रेट रेसिपी। ये यहाँ पर आटा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो खस्ता लगाने के लिए आटा बन रहा भी है। हाँ, ये खस्ते का है। भैया कितना आटा लिया है आपने? ये 5 किलो है। 5 किलो? और मोयन कितना डाला है? घी इसमें 1.5 किलो। अच्छा, 5 किलो में 1.5 किलो घी डाला है आपने। और नमक डाला, खाना सोडा डाला। और अजवाइन नहीं डाली? अजवाइन इसमें नहीं पड़ती, समोसे में पड़ती। अच्छा, समोसे में डलती है, खस्ते में अजवाइन नहीं डलती। तो कैसा आटा लगाएंगे भी हम इसके लिए, सॉफ्ट या ज्यादा सख्त? हाँ, सख्त वैसा ही लगेगा, पतला, जैसा रोटी का आटा लगता है ना, पतला। अच्छा, पतला आटा। हाँ, ऐसा ही लगता है, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये भैया बिल्कुल नॉर्मल, हम जो घर में आटा लगाते हैं उसी की तरह मल रहे हैं बस। फिर इसे रेस्ट पर रखेंगे भैया थोड़े टाइम के लिए? हम थोड़ी देर के लिए, पच जाएगी, फिर उसके बाद जो नंबर लगा। तो आप देख सकते हैं भैया ने ये आटा लगाकर तैयार कर लिया, काफी सॉफ्ट आटा लगाया है। और इसमें भैया ने थोड़ा सा खाना सोडा डाला था, जिसकी वजह से काफी फ्लफी हो रहा है। अभी जब ये कढ़ाई में सेकेगा ना, तो काफी ज्यादा फूलने लगेगा। तो इसे भी हम कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद इसके खस्ते बनाएंगे। तो अभी भैया बना रहे हैं खस्ते के लिए स्टफिंग। तो भैया ये कितने आलू लिया आपने? लगभग 1 किलो? 1 किलो आलू। भैया ने मिर्ची डाली और ये क्या डाला भैया? मसाला। अच्छा, इनका स्पेशल मसाला है। नमक डाला भैया ने, धनिया पाउडर, हल्दी। ये क्या डाला भैया? नमक, खाना सोडा। अच्छा, फुलाने के लिए अंदर से खस्ते को? तो ये लगभग भैया ने 1.5 से 2 चम्मच तक खाना सोडा डाला है इसको फुलाने के लिए। याद रखे, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, सोडा डालना है इसके अंदर। अभी अंदर थोड़ा सा ऑयल। ऐसा हम घर पे कभी नहीं बनाते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अलग तरीका है इनका बनाने का, और इससे इसी वजह से इनके जो खस्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अभी हमने डाला इसमें बेसन। कितना बेसन डाला अभी हमने? आधा किलो। मतलब 1 किलो आलू के अंदर आधा किलो बेसन। कच्चा बेसन डालना है? अच्छा, जो आलू की वजह से इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है ना, वो नहीं रहेगी, बेसन से एकदम अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। अगर लगे कि थोड़ा आलू सॉफ्ट हो रहे हैं तो और बेसन भी डाल सकते हैं ना भैया। तो ज्यादा ढीला फिर निकलता है, बट ढीला वो खस्ते भरने से दिक्कत होती है। अच्छा, इसको मैं पकाना नहीं है कढ़ाई में, बस इसी तरीके से रखना। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सौंफ का पाउडर है ना, थोड़ी दरदरी कुटी हुई सौंफ डालेंगे। अभी मिक्स करके एकदम अच्छा सा वो बना लेंगे, इसका डो टाइप का है ना। रखने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाना बेसन, काफी ज्यादा कर लेगा बहुत अच्छे से। तो ये रखने के बाद काफी ज्यादा टाइट हो जाएगा। नमक नहीं डालते भैया हम इसके अंदर? हल्का सा पड़ता है, बहुत हल्का सा। अगर ज्यादा डालेंगे तो मतलब मॉइस्चर छोड़ देता है ना, उसमें मैदे में भी नमक होता है। अच्छा, ये पतला भी कर देता है नमक, अंदर से सील पकड़ लेता है नमक। बहुत थोड़ा नमक डालते हैं। तो ये हमारा तैयार है, आटा भी तैयार है और ये खस्ते के लिए स्टफिंग भी तैयार है। अभी से थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम खस्ते बनाना शुरू करेंगे, मैं नहीं भैया। तो अभी हमारे यहाँ खस्ते के लिए लोई तोड़ के तैयार की जा रही है। बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं रखते हैं यहाँ पर, ये लोइयां बनाई है भैया ने। ये इतनी होगी भैया लगभग एक घर पे 20-25 ग्राम की लोई है, मतलब थोड़ी नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी है ये। ये लोई बना ली है और ये भैया यहाँ पर खस्ते भर रहे हैं। भैया बहुत थोड़ी सी स्टफिंग डालनी है ना भैया, थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे वरना खुल जाएगा ना, थोड़ी। और आप देख सकते हैं भैया कैसे भरने का अंदाज भी एकदम अलग है। हमारे नॉर्मली खुल जाते हैं, भैया के खुलते भी नहीं है कभी कढ़ाई के अंदर। बस इस तरीके से प्रेस करके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा डो से निकाल देते हैं अलग। खस्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। अंकल आप कब से हो यहाँ पे शॉप पे?
3-4 साल से यही सेम चीजें बनाते हो। और क्या क्या बना लेते हो अंकल आप? मिठाई वगैरह? मिठाई, सारी मिठाई। तो आप क्या क्या सिखाओगे अंकल हमें? जो भी कहेंगे सब सिखाओगे? 10 बजे के बाद दूध आएगा, सब मिठाई बनाएंगे। मिठाई का नंबर आएगा। भैया ने यहाँ पे सारी लोइयाँ बना ली हैं और अब भैया खस्ते बना रहे हैं, तो खस्ते को बेलना नहीं है भैया? नहीं, हाथ से। बस हाथ से हल्का हल्का इस तरीके से दबाकर बड़ा कर देंगे, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट लगाया है ना। और इसे कढ़ाई में डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी बड़ी कढ़ाई है भैया की। इसे एकदम धीमी आँच पर रखना है स्टार्टिंग में, पहले धीमी आँच पर, जब फूल कर ऊपर आ जाएंगे उसके बाद तेज आँच कर। धीमी धीमी आंच पर भैया इसी तरीके से सेकेंगे एक बार से। अंकल से ज्यादा पतला नहीं करते हैं, हल्का मोटा रखते हैं? अच्छा, हल्का थिक रखेंगे, जैसे फूलता अच्छा है ना। तो आप देख सकते हैं भैया ने कढ़ाई में सारे खस्ते डाल दिए और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये। तो भैया एक बार जब फूलने लगेंगे तब पलट देंगे। हाँ, जब कलर आ जाएगा एक तरफ, हल्का कलर आने लगा फिर गैस तेज कर देंगे। हाँ, अब भैया के पास गैस तो नहीं है, बड़ी बड़ी भट्टी है तो भट्टी में ये आंच को बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं एक एक खस्ता कितने अच्छे से फूल कर आ रहा है। अच्छा, एक साइड से सिक गए, अभी भैया पलट रहे हैं इसे दूसरे साइड से, ताकि दूसरे साइड से भी खस्तों में बहुत ही अच्छा कलर आए। तो बस इसे पलट पलट कर अच्छा कलर चेंज होने तक सेकेंगी है। अभी आप देख सकते हैं एक कस्ते में कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अभी इसे कितना टाइम और सेकेंगे भैया हम? 5 मिनट और सेकेंगे। अभी जो थोड़ा बहुत लाइट कलर है साइड से वो भी ना रहे तब तक। अभी पूरे खस्ते को अच्छे से सिकने के बाद ये भैया ने बाहर निकाल रहे हैं, एकदम जालीदार से निकालते हैं, जिससे उसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ना रहे। पूरी कोशिश की जाती है कि जितना कम ऑयली बनाया जा सके इस चीज को। अभी यहाँ एक बर्तन में रखेंगे थोड़ा टाइम के लिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें नीचे निकल जाए। अभी यहाँ से ये जालीदार उसमें निकाल देंगे, जिससे इसमें भी और भी थोड़ा बहुत ऑयल रह जाए तो वो भी नीचे निकल जाएगा। तो यहाँ हमारे खस्ते तैयार है, तो चलिए देखते हैं भैया से किसके साथ सर्व करते हैं। भैया खस्ते का प्राइस क्या है? 8 रुपये का। 8 रुपये का एक खस्ता, मतलब 15 से 20 रुपये में आदमी का पेट भर जाएगा, इतना ही है 2 खस्ते में। तो चलिए देखते हैं भैया किसके साथ सर्व करते हैं इसे। दोने के अंदर रखा भैया ने खस्ता, थोड़ी सी सूखी सब्जी, ये आलू की सब्जी, मतलब ऐसे प्लेन नहीं खाना, चटपटा एकदम सब तरीके से। तो ये हमारा टेस्टी खस्ता तैयार है, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये खस्ता, सबसे पहले इसकी क्रिस्पीनेस चेक करते हैं। अब देखो कितना क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट है, और अंदर से इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए भैया ने यहाँ पर ये सब्जी भी दी है, मैं इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटी खट्टी खट्टी फिलिंग है, बहुत ही अच्छी लग रही है खाने में, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आप 1 या 2 खस्ते खा लोगे तो आपका सुबह का नाश्ता होने वाला है, मुझे तो तब खाना भी नहीं खाओगे इसे खाकर। तो आप भी अगर यूपी आ रहे हो तो प्लीज़ ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करके देखें।